नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज़ अ यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज टू बी फोल्ड ओवर अ स्टेप ऑफ हाइट ए और ए हमें आर से कम दिया हुआ है बाय अप्लाइंग अ फोर्स एफ एट इट सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू द प्लेन थ्रू द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर ऑन द एज ऑफ द स्टेप नाउ सी एज वी कैन सी इन द फिगर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ रिक्वायर्ड हमें बताना है एफ की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ना बहुत ही आसान सवाल है देखने में मुश्किल लगता है लेकिन यहाँ पे हमें चलो पहले सवाल समझते हैं स्नैरियो ये है कि यह आपकी एक स्टेयर है और पहले गोला बना लेते हैं तो यह आपका एक स्फेयर है और उसको आप ऐसे करके यह आपकी स्टेप है इसका रेडियस आर और आप इसको चाहते हैं यहाँ पे आपने ऐसे करके एफ़ लगाया हुआ है इसका रेडियस आर इधर बना लेते हैं लेट्स से इसका रेडियस आर है और ये स्टेप की हाइट ए है अभी सेफ फोर्स यहाँ पे लगा के हम चाहते हैं ये सिलेंडर जो है थोड़ा सा ऐसे इसके ऊपर उठ जाए हमें बताना है मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होनी चाहिए बात हमें यहाँ पे बतानी है ना इस केस में इसको ऐसे देखना है कि इसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऐसे देखें कि इसको ट्राइंगल को अगर हम कम्प्लीट करें सो लेट अस से ये आपका ट्राइंगल हम यहाँ पर कम्प्लीट कर रहे हैं और लेट से ये एंगल आपका थीटा है तो इस केस में जो आप फोर्स यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो आपका अच्छा इस मान लो इस पॉइंट को हमने आ, पी पॉइंट कह दिया तो इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है दैट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू आई मीन स्लाइटली ग्रेटर देन ज़ीरो क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू बतानी है तो हम इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए इक्वल टू जीरो के इक्वेट uh, कर देंगे तो इस जगह पे जब हम uh, टॉर्क की बात करेंगे तो यहाँ पे जो टॉर्क आएगा इस uh, फोर्स का तो वो टॉर्क आएगा टॉर्क ऑफ फोर्स इस एफ़ फोर्स का माइनस जो आपका टॉर्क आएगा एम जी मल्टीप्लाइड बाई ये आपकी दूरी मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक एक्स है एक्स दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाना चाहिए नो ये टॉर्क एफ फोर्स का टॉर्क आएगा f डॉट मतलब एफ आर दोनों के बीच में आ, 90 का एंगल है तो f क्रॉस आ जब करेंगे तो ये एफ आर साइन थीटा तो एफ आर बन जाएगा माइनस एम जी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो विच एम्प्लाइज एफ शुड be स्लाइटली ग्रेटर देन एम जी एक्स बाई आर इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए ना और सवाल रह गया ये एक्स की वैल्यू पता करने का कि ये एक्स क्या होगा यहाँ पे नहीं तो अगर इस ट्रेंगल को नोटिस करेंगे हम तो इस ट्रेंगल के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये आपका एंगल थीटा है और ये आपका रेडियस आर है यह आपका एक्स है और ये अगर नोटिस करेंगे तो ये आपका रेडियस आर है और ये जो है ये वाली साइड uh, आपकी ए है तो ये वाली साइड आपकी जो है ये हो जाएगी आर माइनस ए विच एम्प्लाइज अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो एक्स की वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर ना अब इस एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ फिट कर देंगे तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका फोर्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इस आर को अगर हम वन दें जाए तो एफ शुड भी ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी अंडर रूट में वन माइनस आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर ये आपकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फोर्स की सो दैट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर फोर वुड बी द राइट आंसर